दोस्तों आप लोग कैसे हो, टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो इंडिया में जो है मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप बोले तो जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोलते हैं, जो प्रोसेसर हम लोगों को कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलते हैं, लैपटॉप के अंदर देखने को मिलते हैं, ये प्रोसेसर जो है अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। सिर्फ ये प्रोसेसर ही नहीं है, इसका बाहर में जो सीसीटीवी कैमरा देखने को मिलता है, इससे लेकर जो 5G इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर, इसके अंदर जो चिप देखने को मिलेगा, हर एक चिप जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का बात चल रही है। इवन इसको अगर और भी गौर से देखेंगे, आप कुछ दिन पहले देखिए, मैं एक वीडियो बनाया था जिधर हम लोग बोला था ग्लोबली सेमीकंडक्टर चिप का जो है शॉर्टेज चल रहा है। तो इसके उस वीडियो में हम लोग बोला था आज के दिन में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट देखिए, हर एक गैजेट के अंदर आपको एक माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। तो ये हर एक तरह का प्रोसेसर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते देखने को मिलेगा। एंड ये जो है एकदम बेसिक लेवल के ऊपर है, मतलब अभी जो है बात चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ कंपनी का, और ये बहुत एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज है, मतलब ये जस्ट लीक होकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ हाई लेवल ऑफिसर की तरफ से। तो इससे जानने को मिल रहा है गवर्नमेंट जो 7300 करोड़ रुपीस का एक PLA स्कीम अनाउंस करने वाला है, मतलब $1 billion का ये PLA स्कीम होगा, जिसके अंदर से कोई भी ब्रांड अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने जाएगा तो उसको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि किस तरह से इंसेंटिव को दिया जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज के ऊपर इंसेंटिव दिया जाएगा, इसके ऊपर भी अभी काफी बात चल रही है। तो कौन सा कंपनी के साथ बात हो रहा है ये अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आया, बट अगर इंडिया में ये मैन्युफैक्चर होता है, मतलब ये सक्सेसफुली हो जाता है इंडिया में मैन्युफैक्चर, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखिए ग्लोबली जो है अभी सेमीकंडक्टर या माइक्रोप्रोसेसर का बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, इसके लिए देखेंगे हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। इवन कुछ प्रोडक्ट का इंक्रीज भी हुआ। इवन ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो कार मैन्युफैक्चर है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, बिकॉज ऑफ आज के दिन में जो कार है इसके अंदर भी काफी छोटा छोटा माइक्रोप्रोसेसर एंड चिप देखने को मिलते हैं। तो ये हर एक चीज अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो ये जो माइक्रोप्रोसेसर एंड प्रोसेसर का जो प्राइस है ये भी आपको काफी नीचे देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल इंडिया जो है ग्लोबली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर के अंदर एक काफी बड़ा शेयर भी ले पाएगा। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो में एक लाइक दीजिए, लाइक करके जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फिल कर कमेंट कीजिए, चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो तो मिलेगा और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्मार्टफोन कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में भी मिलते रहेगा। अभी देखिए कौन सा कंपनी के साथ बात हो रहा है इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, जितना लग रहा है ये सैमसंग ही होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले सैमसंग का इंडिया में चिप मैन्युफैक्चर लेकर कुछ न्यूज जो है लीक हुआ था, जिससे पता चल रहा था इंडिया में जो सैमसंग 5G इक्विपमेंट का जो चिप होता है ये मैन्युफैक्चर करने का बात कर रहे हैं। बट बाद में सैमसंग बोला ये अभी भी एकदम ही बेसिक लेवल पे, इसके ऊपर कोई डेवलप नहीं हुआ उतना, बट तो इतना लग रहा है ये सैमसंग के साथ हो सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे ग्लोबली सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर है ये TSMC, जो ताइवान बेस्ड कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी। तो ये कंपनी के साथ भी बात कर रही है या नहीं कर रही इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा। अगर इंडिया में सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ऑब्वियसली देखेंगे TSMC भी इंडिया में जो फैब्रिकेशन है ये मैन्युफैक्चर यूनिट इंडिया में बनाएगा। एंड TSMC ये जो सैमसंग की बात कर रहे हैं, ये दो कंपनी जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब अगर आप एक आपका चिप डेवलप किया तो ये चिप आप चाहे तो सैमसंग या TSMC का जो फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चर यूनिट रहेगा इधर से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे MediaTek एंड Qualcomm का जो मोबाइल प्रोसेसर रहता है ये ज्यादा से ज्यादा जो है TSMC नहीं तो सैमसंग का फैब्रिकेशन यूनिट में मैन्युफैक्चर होता है। हालांकि इवन AMD का जो कंप्यूटर एंड लैपटॉप के लिए जो प्रोसेसर देखने को मिलता है Ryzen सीरीज के अंदर, ये भी TSMC नहीं तो सैमसंग का फैब्रिकेशन यूनिट में मैन्युफैक्चर होता है। हालांकि इंटेल का जो प्रोसेसर रहता है अभी तक ये जो है इंटेल का ही फैब्रिकेशन यूनिट में इंटेल मैन्युफैक्चर करता है। हालांकि रिसेंट टाइम के अंदर इंटेल ने इंटेल का कुछ प्रोसेसर जो है TSMC एंड सैमसंग का फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर मैन्युफैक्चर का बात कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो है काफी एक एडवांटेज रहेगा इंडिया के लिए एंड ग्लोबली, क्योंकि इंडिया का अगर देखेंगे मेक इन इंडिया के तहत अभी स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसके बाहर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को देखेंगे ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इवन अभी सुनने को मिल रहा है बहुत ही जल्द इंडिया में जो है टैबलेट बोलिए, कंप्यूटर बोलिए, ये सब चीज जो है ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी PLA स्कीम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ये सब चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है। सबसे एक अच्छा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ मोबाइल इंडिया में मेड इन इंडिया के तहत आपको देखने को मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा मोबाइल। बट अगर आप देखेंगे हर एक मोबाइल के अंदर काफी सारा छोटा छोटा कंपोनेंट रहता है, जिसके अंदर आपको अगर देखेंगे ये मदरबोर्ड जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, बट मदरबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है प्रोसेसर बोलिए, इसका बाहर में छोटा छोटा जो है ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है, बट ये सब चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो इसके लिए जो आप 100% मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते कोई प्रोडक्ट। तो ये सब चीज अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो मेक इन इंडिया के तहत जो और भी ज्यादा
करीब चला जाएगा 100% मेक इन इंडिया के तहत इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत ही ज्यादा स्किलफुल एंड इसका साथ चीप रेट में एम्प्लॉय आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो मैन्युफैक्चर यूनिट आपको देखने को मिलेगा या फैब्रिकेशन यूनिट, इधर आपको लेबर तो देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही हाई एजुकेटेड आपको इधर पर्सन काम करते देखने को मिलेगा। एंड ये चीज अगर इंडिया में मिल जाता है स्किलफुल प्लस चीप रेट में एम्प्लॉय, तो ऑब्वियसली जो चीप मैन्युफैक्चर का कॉस्ट भी काफी लो देखने को मिलेगा। प्लस इंडिया में इंपोर्ट करने में जो टैक्स देखने को मिलता था, इंपोर्ट कॉस्ट जो देखने को मिलता था, ये सब भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो इंडिया में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा जिसमें इंडिया का चीप, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ चीप अगर देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट का प्राइस भी काफी नीचे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सब कुछ लेकर जो अभी एक काफी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। आने वाला फ्यूचर में अगर इसको रिगार्डिंग और भी कुछ चीज जानने को मिलता है तो ऑब्वियसली हम लोग इस तरह वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दीजिएगा। एंड वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज और भी अच्छे से जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर एक नया अपने मुलाकात, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।